दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 11 अगस्त को भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल के मैदान पर खेला जाना है। बहुत ही जबरदस्त और रोमांचक यह मुकाबला रहने वाला है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की परफेक्ट प्लेइंग 11 के बारे में और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे उन 3 बड़े बदलावों की जो हमें इस मुकाबले के दौरान भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और आप भी चाहते हैं कि इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम वेस्टइंडीज को बुरी तरह से हराए तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इजोल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इन 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला गुयाना के मैदान पर खेला जाना था लेकिन बारिश के चलते उस मैच को रद्द कर दिया गया और यहां पर इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला पूरी तरह से बारिश के नाम हो चुका था लेकिन अभी भी 2 वनडे मुकाबले और भारतीय टीम दोनों ही वनडे मुकाबलों में जीत दर्ज करना चाहेगी। चलिए बात करते हैं भारत की प्लेइंग 11 और उन 3 बड़े बदलावों के बारे में जो हमें इस मुकाबले के दौरान देखने को मिल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फटाफट भारत की परफेक्ट प्लेइंग 11 की। तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे शिखर धवन के साथ रोहित शर्मा, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर या फिर केएल राहुल, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी में खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर केदार जाधव, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा या फिर युजवेंद्र चहल को मौका मिल सकता है। नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार या फिर उनकी जगह पर नवदीप सैनी को खेलने का टीम में मौका मिल सकता है। नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और नंबर 11 पर खलील अहमद। तो कुछ ऐसी रहने वाली यहां पर भारत की प्लेइंग 11। 3 बड़े बदलावों की हम यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहले बदलाव की हम बात करते हैं तो वो हो सकता है नंबर 4 को लेकर श्रेयस अय्यर की जगह पर भारत की प्लेइंग 11 में लोकेश राहुल को खेलने का मौका मिल सकता है क्योंकि यहां पर आप सभी लोगों को पता है कि वेस्टइंडीज की वनडे टीम बहुत ही खतरनाक है और केएल राहुल फिलहाल बहुत ही शानदार फॉर्म में भी है। पिछले में उनको खेलने का मौका नहीं मिला था, उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था लेकिन हो सकता है कि इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की जगह पर उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की, तो यह बदलाव है रविंद्र जडेजा को लेकर। रविंद्र जडेजा T20 सीरीज में भी खेले थे, अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने वहां पर किया था लेकिन युजवेंद्र चहल को अभी तक वेस्टइंडीज के खिलाफ इस दौरे पर खेलने का मौका नहीं मिला है, वो अभी तक बेंच पर बैठे हुए। पिछले मुकाबले में भी रविंद्र जडेजा को भारत की प्लेइंग 11 में रखा गया था लेकिन यहां पर हो सकता है कि इस मुकाबले के दौरान रविंद्र जडेजा की जगह पर युजवेंद्र चहल को भारत की प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे बदलाव की, तो यह बदलाव हो सकता है भुवनेश्वर कुमार को लेकर। जी आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप 2019 के दौरान भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो गए थे लेकिन वर्ल्ड कप के अंत के मैचों में उनकी वापसी हो गई थी। उसके बाद ये यहां पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में भी खेले और फिलहाल थोड़े आउट फॉर्म से भी चल रहे, तो हो सकता है कि यहां पर इस दूसरे वनडे मुकाबले में उनकी जगह पर नवदीप सैनी को खेलने का मौका मिल जाए क्योंकि T20 सीरीज के दौरान नवदीप सैनी ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बहुत ही बुरी तरह से परेशान किया था। तो दोस्तों ये हैं वो 3 बड़े बदलाव जो हमें इस मुकाबले के दौरान देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्लेइंग 11 के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन और आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इजोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।